आराधिता ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे, हम भी बहुत ही अच्छे हैं। मेरा स्किन का हालत देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा खराब लग रहा है, सूख सूख गया है। जैसे एक चमक होता है ना, वो चमक नहीं है, तो सोच रहे थोड़ा दही लगा लेते हैं और दही लगाते लगाते आप लोगों के साथ बात भी कर लेते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दही लिया है मैंने, आप लोग देख लीजिए, अभी यही दही को लगाएंगे। चलिए दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है दही, सिर्फ सफ़ेद दही लिया है और कुछ नहीं लिया है, कुछ ऐड नहीं किया है, देख लो। और इसी को ही लगाएंगे। आए हाय कितना अच्छा लग रहा है। गर्मी के टाइम पर अगर आप लोग चेहरे पर दही लगाओ ना, बहुत ही ठंडक महसूस होता है और स्किन भी थोड़ा बहुत रिपेयर हो जाती है। तो चलिए दही लगाते हैं। और एक बात बता देते हैं, कल शाम को हम लोग गए थे सोनपुर थोड़ा मार्केट घूमने के लिए और थोड़ी सी खरीदारी करने के लिए। तो चलिए आप लोगों के साथ दिखाते हैं। थोड़ा बहुत मैंने वहाँ पर जाकर ब्लॉगिंग भी किया है। बाहर तो ज़्यादा बात हम कर नहीं पाते हैं, ठीक है, ऐसे ही लोग देखते हैं, क्या बताएं। और स्पेशली मॉल पर अगर आप लोग जाते हो तो वहाँ पर बात करना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए फिर भी हमने थोड़ा बहुत क्लिपिंग उठा के रखा है, जैसे आप लोग थोड़ा देख सको। चलिए दही को पहले लगा लेते हैं और जब तक ये दही सूखता है तब तक आप लोग कल वाला जो वीडियो आप लोगों के लिए उठा के रखे हुए थे सोनपुर वाला, तो आइए दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं सोनपुर, तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं सोनपुर मार्केट, आइए दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी थक गए हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से टोटो कर लिए हैं। देखिए यहाँ पर हस्बैंड है, वहाँ पर बेटी है और यहाँ पर हम हैं। तो चलिए जितना हो सके शेयर करेंगे, इसी मार्केट करेंगे और क्यों करेंगे वो घर जाके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फाइनली श्रीनिकेतन आ गए हैं, देख लीजिए। तो चलिए अंदर चलते हैं, कुछ मार्केटिंग करनी है, तो क्या मार्केट करते हैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। भाई बताते अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। जा
देखिए फ्रेंड्स, आ गए हैं छत पर और खाना पाना सब कंप्लीट करके फिर मैं आई हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हो हस्बैंड घर पर है तो हर वक्त आप लोगों के साथ मैं बातें नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड घर पर है। अरे बिजी है हम, समझने की कोशिश कीजिए। तो कोई बात नहीं है, आप लोगों को बता देते हैं फ्रेंड्स, कल गए थे और खूब बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खाए थे। मगर एक बात आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं, शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जितनी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाए घर की तरह ना नहीं बनता है, उतना टेस्टी नहीं होता है और पैसा भी ज़्यादा ही जाता है। कल 1200 लिया था, बिल आया था हम लोगों का, मगर जो तंदूरी चिकन खाए थे और बिरयानी, बस मटन बिरयानी, ठीक है, तो तंदूरी चिकन ठीक ठाक ही था और उससे भी टेस्टी होता है। मैंने एक बार घर पर भी बनाया था तो तब सच में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी रहा, मगर कल वाला रेस्टोरेंट वाला भी अच्छा ही था, अच्छा लगा। और बिरयानी जो खाए थे ना फ्रेंड्स, क्या बताएं, इतना बकवास था बिरयानी, हम लोग क्या बताएं, पूरा ही मैंने इतना ही खाया, बाकी पूरा वेस्ट हो गया और पैसा भी गया बेकार। मैं हस्बैंड ना फिर घर पर आकर फिर फ्रिज पर भी तो आइसक्रीम रहता है, वहाँ पर भी आइसक्रीम खाए और घर पर आकर फिर से आइसक्रीम खाए, क्योंकि वो का टेस्ट भी ना चेंज हो गया और अच्छा नहीं लग रहा था, कैसा लग रहा था, तो इस वजह से हम लोगों ने फिर से आइसक्रीम खाया और बिरयानी अच्छा नहीं बना था, इस वजह से हस्बैंड का भी थोड़ा मूड ऑफ हो गया था। और घर पर आकर जो हम लोगों ने फिर से आइसक्रीम खाए, वो वाला ब्लॉग मैं ना और नहीं बनाई, क्योंकि उस टाइम अगर मैं ब्लॉग बनाती तो हस्बैंड बहुत गुस्सा जाते, आप लोग तो जानते ही हो हस्बैंड ज़्यादा पसंद भी नहीं करते हैं। तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं, जून महीना जो आ रहा है ना, तो जून महीना में मेरी बेटी का बर्थडे है, ठीक है, और 25 जून को मेरी बेटी का बर्थडे है, मगर हम लोग जाएंगे एक जगह। अभी कहाँ जाएंगे? चलिए बता देते हैं, हम लोग जाएंगे पुरी, मगर 25 जून को नहीं, क्योंकि 25 जून से ही ना उसका स्कूल में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए 4 जून को हम लोग जाएंगे, 4 जून को माने ट्रेन पकड़ेंगे और 5 जून को पहुँच जाएंगे, वो है पुरी, ठीक है। तो इस वजह से ही हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा बहुत मार्केट किया, तो अभी तो बहुत टाइम है, मगर मैंने सोचा थोड़ा बहुत मार्केट कर लेते हैं, बाकी अगर और भी कुछ ख़रीदना होगा तो बहुत सारे टाइम बच जाएंगे, बाद में भी ख़रीद सकते हैं। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, कल गए थे सूरतपुर और आप लोगों ने देखा और ढेर सारे शॉपिंग किए, बहुत ज़्यादा नहीं, टी शर्ट वगैरह ही किए ख़रीदा और जीन्स ख़रीदा हस्बैंड का, तो वो भी दिखाएंगे। अभी वो सब खरीदते खरीदते थोड़ा लेट भी हो गया था और हस्बैंड बोल रहे थे ठीक है चलो हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, और तभी तो हम लोग रेस्टोरेंट में गए और आप लोगों के साथ भी वो भी शेयर किया। साल में एक बार पूरी जाते ही है, बिकॉज हम लोग बंगाली है और बंगाली लोग दीघा पूरी जाएंगे, वैसे भी हम लोग दीघा नहीं जाते हैं, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है, पूरी ही जाते हैं हम लोग, तो पूरी जाएंगे और वहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं तो बहुत मस्ती होता है, क्योंकि समुंदर है, फ्री का स्विमिंग पूल है, है कि नहीं, फ्री का स्विमिंग पूल है, और वहाँ पर के उड़िया लोग ना जो खाना बनाते हैं, देखिए आप लोगों को एक बात बता देते हैं, आप लोग जहाँ भी जाओ अगर आप लोगों को सेटिस्फाइड खाना नहीं मिलता है तो आप लोगों को ना जाने में भी घूमने में भी मज़ा नहीं आता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो हम लोग जब भी पूरी जाते हैं ना, वहाँ के उड़िया लोग ना बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, स्पेशली बंगाली जैसे खाना बनाते हैं वैसे ही खाना बनाते हैं। और एक बात है, और वो तो नारायण का धाम है, आप लोग तो जानते ही हो, बैकुंठ भी कह सकते हो, तो उसे वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा ही पुण्य मिलता है। इसी बात पर आप लोगों को एक टिप्स दे देते हैं, जीवन में जितना पुण्य कमाओगे उतना ही सुखी रह पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, और एक
चीज़ आप लोगों को दिखा देते हैं। उस दिन बोल रहे थे ना जो मज़दूर आएंगे और टंकी को शिफ्ट करेंगे, पानी का थोड़ा वर्क बाकी है, तो चलिए हो गया है, वही दिखाते हैं। देखिए इसके ऊपर टंकी को बैठाना था, यह पर था टंकी और यह पर से वह पर शिफ्ट हो गया। और देखिए पाइपलाइन का वर्क देखिए, ये भी नया हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है मिर्ची का पौधा और ढेर सारी मिर्ची और वो भी पक गए हैं, आप लोग देख ही सकते हो, इसका कलर दिख ही रहा है। और इसको उठाएंगे और नीचे लेके चले जाएंगे, नहीं तो पता है जो बर्ड्स आते हैं ना, बर्ड्स भी मिर्ची खा लेते हैं। ठीक है, मुझे तो पहले पता था जो पैरेट होती है पैरेट मिर्ची खाती है, क्योंकि मेरे घर में भी पैरेट था और वो मिर्ची खाती थी। ठीक है, तो हम लोग भी देते थे, मगर छोटी छोटी जो बर्ड्स होते हैं ना, छोटे छोटे इतने इतने साइज़ का मेरे घर में जो आते हैं, ठीक है, वो भी मिर्ची खाते हैं। हाय भगवान, क्या दिन आ गया है। तो चलिए बैक कैमरा करके ना आप लोगों को दिखाते हैं, अच्छा लगेगा। आइए देखिए, नेचर तो नेचर ही होती है, मन खुश हो जाएगा, एक बात बता देते हैं। तो आइए देखिए, सच में ही मन खुश हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स मिर्ची हुआ है, देखिए, चलिए दिखाते हैं। देखिए पूरे पक गए हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इतना तीखा और टेस्टी है ना, आप लोगों को क्या बताए। अभी उठाएंगे, देख लो। ढेर सारे हुए हैं, देखिए कलर देखिए फ्रेंड्स। चलिए पूरा उठा लेते हैं, नहीं तो बहुत ही लेट हो जाएगा, बेटी तो नहीं है जो कैमरा पकड़ेगी। चलिए दिखाते हैं, देखिए कितने सारे मिर्चे हैं और इतने तीखे हैं, आप लोगों को क्या बताएं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ही तीखे हैं। चलिए नीचे चलते हैं और इसको रख देते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही लेट हो गया है, आज हम आप लोगों के साथ इतना ही शेयर कर पाए। अगर अच्छा लगे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, और कल हम आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग क्या क्या मार्केट करके आए हैं, क्या क्या ख़रीदारी किया है। हस्बैंड का जो जीन्स ख़रीदा है, बेटी के लिए जो टी शर्ट, मेरे लिए टी शर्ट, जो जो खरीद के लाए हैं, सब आपको कल दिखाएंगे। तो कल वाला ब्लॉग ज़रूर देखिए।